अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अमजद बुखारी, योर टीचर, एंड वी आर स्टडीइंग द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द सोसाइटी, द डेफिनेशन ऑफ द सोसाइटी, हाउ इट एस्टेब्लिश, एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी सोसाइटी इन दिस सब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द establishment of new state that is called Pakistan, background of this partitions of subcontinent, the role of Muslim League and Muhammad Ali Jinnah, and the creation of Pakistan, early republic, the problems and the establishment of the government, and then its process towards the country. Now we are seeing nation, now we are seeing, and the problems, achievements, and hindrances, we will discuss all the elements that are important to the government and society in Pakistan. Firstly, we will see the background of the partition of the subcontinent. This section presents the history of Pakistan from the partition of British India, and you know, in 1947, the Pakistan was established. The call for establishing an independent Islamic state on the Indian subcontinent can be traced to 1930, when Dr. Allama Muhammad Iqbal made a speech in which he said and argued that the four northwestern provinces and regions of British India, like Sindh, Balochistan, Punjab, and northwestern frontier province, now it is called Khyber Pakhtunkhwa, should be joined to become a free and independent Muslim state. At that time, the character of these proposals can be judged from its geographic rather than demographic dimensions. आसान अल्फाज में इसको जाना जाए तो ये पाकिस्तान की क्रिएशन और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये आइडिया जिस पे सॉलिड बहस, जिस पे सॉलिड सफ़र उस वक्त शुरू होता है जब डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी 1930 की किताब में ये आइडिया पेश किया कि इन रियासतों पर, इन खितों पर मुश्तमिल रियासत तश्कील दी जाए। और इसके पीछे जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ साथ जो है जियोग्राफिकल कंडीशंस जो है वो सामने रख के ये आइडिया दिया गया। उस वक्त जो है इस आइडिया के बाद इस पर काम शुरू हो गया। उस वक्त बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने और मकराम ने इस पर कंट्राडिक्टरी रिमार्क्स भी दिए, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान, हैदर आज़ाद खान दीवाना और दीगर लोग शामिल थे। उनका कहना था कि ये मुसलमानों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये नज़रिया नाकाफ़ी है, लेकिन मुसलमानों ने इस पर संजीदगी से वोट किया और उसे काम शुरू हो गया। और मुसलमान जो है उनका सफर जो है वो इस तरफ शुरू हो गया। दिस आइडिया एट दैट टाइम वाज मिसिंग अबाउट द नेम टू डिस्क्राइब सच अ साउथ एशियन कंट्री वेयर मुस्लिम्स वुड बी मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। इट वाज कॉल्ड एट दैट टाइम कि वो जहां अपनी किस्मत का फैसला खुद मुसलमान खुद करेंगे तो उस रियासत का नाम क्या होना चाहिए, इसके बारे में इस टास्क फेल टू चौधरी रहमत अली, यंग मुस्लिम स्टूडेंट स्टडिंग एट कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड, वो बेस्ट कैप्चर्ड द पुअर पॉलिटिशियंस यर्निंग्स इन द सिंगल वर्ल्ड पाकिस्तान इन 1933 पैम्फलेट नाउ और नेवर। रहमत अली एंड थ्री कैम्ब्रिज क्लीग्स कॉइंड द नेम एज एन एक्रोनिम फॉर पंजाब, अफगानिस्तान, दैट इज
northwestern province, and Afghania was included from that, Kashmir and Indus-Sind combined with the Stan suffix from Balochistan. And it was later pointed out that the when translated from Urdu, Pakistan could also mean land of the pure. So the name Pakistan was established at that time. ये बुनियाद बनी, इस बुनियाद पर फिर काम शुरू हुआ और फिर जो है एक अहम किरदार पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के बनने में, पाकिस्तान के तश्कील पाने में हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जमात मुस्लिम लीग का सामने आता है. लॉन्ग बिफोर द ब्रिटिश इन्वेडेड and seized control of the subcontinent, Muslims, Emirs had conquered the settled population in the ruling flat that stretched from the foothills of the Hindu Kush to the city of Delhi and the Indo-Gangetic plain and eastward to Bengal. Mughal Sultanat ka मामला जो है वो यहीं आप आकर ख़त्म होता है 1857 में, और आखिरी जो मुगल शहनशाह 1526 से 1857 तक जो है मुग़लों की हुकूमत जो है मुग़ल शहनशाहों की हुकूमत नज़र आती है और जो रिप्लेस की गई ब्रिटिश की तरफ से, और फिर सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज कायम हुआ. And we can easily say that the British superiority coincided with Mughal decline, and following a period of European success and Mughal failure on the battlefield, the British brought an end to Mughal power. The last Mughal emperor was exiled following the failed Indian mutiny of 1857 to 58. This was a 1 year war, which we call the War of Freedom. जगह पर इसे इंडियन म्यूटनी कहा जाता है, बगावत, अंग्रेज इसे बगावत कहते हैं, हमारे लिए जंग आज़ादी थी. लेकिन इसने बरसगीर का जो नक्शा है उसको बदल दिया. नक्शा जो वहाँ के हुकूमत का नक्शा था, वहाँ हुकूमत करने का नक्शा था, उसे बदल दिया और एक रियासत में मुग़ल सल्तनत का, मुग़ल पावर का खात्मा हुआ और अंग्रेज की जो है हुकूमत कायम हो गई. इस जंग आज़ादी की तकरीबन 3 दहाइयों के करीब द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड टू गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू ब्रिटिश इंडियाज इंडिजिनस पीपल. अंग्रेज ये फील करता था कि यहाँ के लोगों की एक सियासी ज़रूरत भी है, मकामी लोगों की भी सियासी ज़रूरत है, तो उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तश्कील दी गई तकरीबन इस जंग आज़ादी की 30 सालों बाद. ऑल्दो मेंबरशिप इन द कांग्रेस वाज ओपन टू ऑल, हिंदू पार्टिसिपेंट्स ओवरवेलम द मुस्लिम मेंबर्स. मींस के मेंबरशिप तो सबके लिए थी, लेकिन इसमें हिंदुओं की शिरकत जो है वो ज़्यादा थी. ये जमात जिसको बाद में महसूस किया गया कि वो इसमें मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों की ज़रूरत को ये जमात पूरा नहीं कर रही थी, उसका इदराक जो है वक्तन फ़क्तन होता रहा और फिर एक मरले पर आकर इसका इदराक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हुआ, उनके साथियों को हुआ. एट दैट टाइम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 aiming to give Muslims a voice to counter what was then perceived as the growing influence of the Hindu under British rule. Mohammad Ali Jinnah, earlier a prominent Muslim member of the Congress, assumed a leadership of the League following his break with Congress leaders Mohandas Karamchand Gandhi, a firm believer in the Anglo-Saxon rule of law and a close associate of Iqbal Jinnah. Questions the
security of the Muslim minority in an India dominated by essentially Hindu authority. So, at that time, the British intention to grant self-government to India along the lines of British parliamentary democracy is evident in the Government of India Act 1935. Up to that time, the questions of Hindus and Muslims sharing the governance of India was generally acceptable, although it was also acknowledged that Hindus more so than Muslims had accommodated themselves to British customs and the colonial manner of administrations. Moreover, following the failed Indian mutiny, or let's say the Jang-e-Azadi, Hindus were more eager to adopt British behaviors and ideas, whereas Indian Muslims, the brunt of British wrath. The Mughal Empire was formally dissolved in 1958 after the mutiny, after the War of Independence. Its last ruler was banished from the subcontinent, believing they had been singled out of punishment. Indian Muslim populations were reluctant to adopt British ways or take advantage of English education opportunities. As a consequence of these differences between Hindus and Muslims, Hindus advanced under British rule at the expense of their Muslim counterpart. And when British opened the civil services to the native populations, the Hindus virtually monopolized the postings. मतलब ये है कि वैसे मुराद अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान लफ्जों में आपको बताऊं कि जब मुसलमानों को इसका जंगे आज़ादी के बाद जो मंजर सामने आया तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो हॉस्टाइल थे टुवर्ड्स मुस्लिम्स और मुस्लिम्स भी खुद को बड़ा गैर महफूज और डिस्टर्ब फील कर रहे थे अंडर द मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट. वजह क्या थी कि एक तो अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, फिर ये जंग आज़ादी जो है आज़ादी की जंग है मुसलमानों ने लड़ी थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एग्रेसिव बिहेवियर अख्तियार किया. जबकि जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हिंदू थे उन्होंने अकोमोडेटिव बिहेवियर अडॉप्ट किया ताकि वो अंग्रेजों के साथ मिलके सब कॉन्टिनेंट में जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उसको उठाया जाए. और उसका नतीजा क्या निकला कि जब यहाँ पर अंग्रेजों ने सिविल सर्विस अडॉप्ट की, सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस की मकामी लोगों के लिए, तो सारी जो ओहदे थे और पोस्टिंग थी उन पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया और मुसलमान जो है वो बड़ा पीछे रह गए. बट समहाउ ऑल्दो द इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम सच एज सैयद अहमद खान रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग पावर इम्बैलेंस एंड एनकरेज मुस्लिम टू सीक यूरोपियन एजुकेशन एंट्री इन टू द कॉलोनियल सिविल सर्विसेज. दे आल्सो रियलाइज कैचिंग अप to the more progressive and advanced Hindus was an impossible task. Reason behind that was ki Sayyid Ahmad Khan jaise logo ne iska idrak kar liya, isko perceive kar liya ki ye jo surat hal hai isme musliman bahut piche reh jayenge, aur agar unhone jo angrezi taleem hai jisko wo european education keh rahe the अगर इसको हासिल नहीं किया तो वो सिविल सर्विस के मुकाबले में नहीं बैठ सकेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो फिर जो है यहाँ पर सारा कब्जा जो है वो हिंदुओं का हो जाएगा, मुसलमानों को जो है बहुत मुश्किल का सामना होगा. ब्रिटिश कांग्रेस तो मौजूद थी, कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर जो मुसलमान मौजूद थे वो खुद को वहाँ इजी फील नहीं कर रहे थे.
इसका इदराक जो है an emerging feeling of Hindu superiority and a sustained sense among Muslims of inferiority. All the India Muslim League addressed in its claims to represent the Muslim of India. Unlike other Muslims movements of the period, the Muslims League articulated the sentiments of the attentive and at the same time more moderate elements among Indians Muslims populations. The Muslim League, with Jinnah as its spokesman, was also the preferred organizations from the standpoint of British authority. At that time, unlike Gandhi's practices of civil disobedience, Muhammad Ali Jinnah at that time was called to the bar at Lincoln's in London, was more inclined to promote the rule of law and seeking separation from imperial rule. Jinnah therefore was more open to a negotiation settlement, and indeed his first instinct was to preserve the unity of India with adequate safeguards for the Muslims community. कि मुस्लिम कानून के अंदर रहते हुए जिदोजहद की जाए और अपने हकूक के लिए जिदोजहद की जाए और उसमें मुनासिब जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिफा के हकूक हासिल कर लिए जाए, महफूज किया जाए. For the Lahore, later Pakistan resolution of 1940, which called for an independent Muslim states or states in India, did not at first imply the breakup of the Indian Union. जिसको हम ये कहते हैं कि ये करारदादे लाहौर जो है, जो बुनियाद बनी, उसमें अलग रियासत का या रियासतों का जिक्र किया गया था इंडिया. फिर 1939-45 तक जो है वो वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गई. एंड दैट प्रूव टू बी द कैटलिस्ट फॉर एन अनएंटीसिपेटेड चेंज इन पॉलिटिकल पावर अंडर प्रेशर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स नोटेबली दोज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस एंड लेड बाय गांधी. द वार वीकेंड ब्रिटिश इवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश फोर्सेस टू कंसीडर अबॉर्डिंग इंडिया. In response to the Congress campaign, the British quit India. It was a movement at that time. London sent a mission headed by Sir Richard Stafford Crisp, that is also called the Crisp Missions, New Delhi in early 1942, with the promise that Congress cooperation in the war effort would be rewarded with a greater self-rule and possibly even independence when the Second World War ended. Gandhi and the other Congress leaders, however, could not be appeased, and their insistence that Britain allow for a transfer of powers while the war raged produced an impasse and the failure of the mission. एक दबाव पैदा हुआ जंगे आलमी जंग के जो दूसरी आलमी जंग थी 1947 से 45 के दरमियान जो हुई उस पर अंग्रेज हुकूमत पर, और अंग्रेज हुकूमत कमजोर हो गई और इसी प्रश्न में उधर अंग्रेज हुकूमत कमजोर हुई और इसी पर साथ साथ जो है भारत में एक मूवमेंट चलाई गई, एक मुहिम चलाई गई कि अंग्रेज जो है वो बरसगीर से निकल जाए. तो इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए अंग्रेज हुकूमत ने बरतानिया से एक मिशन भेजा जिसे क्रिस्प मिशन का नाम देते हैं, और इस क्रिस्प मिशन की सरबराही सर रिचर्ड स्टेफर्ड क्रिस्प कर रहे थे, जो 1942 में नई दिल्ली आया. और इस मिशन ने कोशिश की कि यहाँ के मकामी लोगों को कुछ हकूक दिए जाए और उनको स्पेस दी जाए सियासत में. ड्यूरिंग दैट पीरियड जिन्ना लेड मुस्लिम लीग वाज सब्सटेंशियली लेस अग्रेसिव इन सीकिंग इमीडिएट ब्रिटिश विथड्रॉल. एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट है और जो हिंदू है कांग्रेस है वो
किस मिशन के साथ जो है वो तामुन नहीं कर रही, और वो लेस देन इंडिपेंडेंस कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है कायदे मोहम्मद जिना और उनकी मुस्लिम लीग जो है वो लेस एग्रेसिव थी, निस्बतन जो है ब्रिटिश विदड्रॉल के लिए कुछ लेस एग्रेसिव थी और उस सूरत हाल का जायजा ले रही थी। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप्स वर नॉट लॉस्ट ऑन ब्रिटेन एंड द इवेंचुअल डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान सेट द सीन फॉर द ड्रामा दैट रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। द न्यू पोस्ट वॉर लेबर पार्टी गवर्नमेंट ऑफ क्लेमेंट एटली सक्सीडिंग द कंजर्वेटिव विंस्टन चर्चिल गवर्नमेंट वॉज डिटर्मिंड टू टर्मिनेट इट्स अथॉरिटी इन इंडिया। कैबिनेट मिशन लेड बाय विलियम पैथिक लॉरेंस वाज सेंट इन 1946 टू डिस्कस द पॉसिबली अरेंजमेंट्स एंड द मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिजिनस हैंड्स। और ये आप 42 और 40 तक का जो अरसा है इसमें ग्रेजुअली वो सारे इंटरनेशनल प्रेशर और ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी और इस हद तक कमजोर हो जाना कि वो मजबूर हो जाना कि वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए तैयार हो गई थी। थ्रू आउट द डेलिब्रेशन द ब्रिटिश हैड टू कंटेंड इट विद टू प्रोमिनेंट प्लेयर्स गांधी एंड द कांग्रेस एंड जिना फ्रॉम द मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिना लेबर टू फाइंड ए सूटेबल फार्मूला दैट एड्रेस द म्यूचुअल एंड डिफरेंट नीड्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स टू मेजर कम्युनिटीज। When apathic Lawrence missions proved unequal to the task of reconciling the parties, the last chance was a compromise solution for last. Each of the major actors blamed the others for the breakdown in negotiations, with Mohammad Ali Jinnah insisting on the realization of the two-nation theory. The goal now was nothing less than the creation of a sovereign independent state. So, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस सारी सूरत हाल में क्या बना। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ मुस्लिम लीग नून, एक तरफ गांधी और एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों इसको लीड कर रहे हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ बड़ी अच्छी सियासी मूवमेंट के जरिए जो है अपनी कौम को टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया कि जहाँ नए पाकिस्तान, नई रियासत की बुनियादें पड़ गई। ये कुछ बैकग्राउंड था मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद अली जिन्ना का रोल था। और फिर हुआ क्या कि एक न्यू स्टेट की पैदाइश हुई, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट लाइक इंडिया। पाकिस्तान अचीव्ड इंडिपेंडेंस एज ए डोमिनियन विद इन द कॉमनवेल्थ इन अगस्त 1947। However, the leaders of the Muslim League rejected Lord Mountbatten, the last British Viceroy of India, to be Pakistan's first Governor General or head of state in contrast to the Congress, which made him India's chief executive. बड़ा फर्क था जो हिंदुओं ने कबूल किया लॉर्ड माउंटबेटन को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने का, जबकि पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया गवर्नर जनरल बनाने के लिए। एट दैट टाइम पाकिस्तान्स फर्स्ट गवर्नमेंट हाउएवर हैड अ डिफिकल्ट टास्क बिफोर इट। अनलाइक मोहम्मद इकबाल अर्लियर विजन्स ऑफ पाकिस्तान, द कंट्री हैड बीन फॉर्मड फ्रॉम द टू रीजंस वेयर मुस्लिम्स वर द मेजॉरिटी, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्टीशंस ही हैड used and the territories and the eastern regions of Bengal's provinces itself had also been divided between India and Pakistan. Pakistan's two wings therefore were separated by some 1000 miles, 1600 kilometers of sovereign Indian territory with no simple rules of communication between them. Further complicating the work of the new Pakistani government was the realization that the wealth and resources of British India had been granted to India. Pakistan had little but a raw enthusiasm to sustain it, especially during those months immediately following partitions. In
fact, Pakistan's survival seemed to hang in the balance. Of all the well-organized provinces of British India, only the comparatively background areas of background of backwardness, like Sindh, Balochistan, and northwestern province, came to Pakistan intact. The otherwise more developed provinces of Punjab and Bengal were divided, and in the case of Bengal, Pakistan received little more than the densely populated rural hinterland. Adding to the dilemma of new state, untested Pakistan government was the crisis in Kashmir, which provoked a war between the two neighboring states in the period immediately following their independence. India was established at that time for many reasons. Pakistan was a new state and very vulnerable states at that time. Both Pakistan and India intended to make Kashmir a component of their respective unions, and the former princely state quickly became disputed territory, with India and Pakistan controlling portion of it and a flashpoint for further conflicts. Economically, the situation in Pakistan was desperate. Materials from Indian factories were cut off from Pakistan, disrupting the new country's meager industry, commerce, and agriculture. Moreover, the character of the partitions and its aftermath had caused the flight of millions of refugees on both sides of the divide. However, accompanied by terrible massacres, vast number of desperate people in each direction required an urgent response, which either country was prepared to manage, least of all Pakistan's. As the consequences of unresolved war in Kashmir and a communal bloodshed in the streets of both countries, India and Pakistan, each came to see the other as its mortal enemy. The Pakistan had anticipated the millions of Indians' material, financial, and military assets. In fact, there would be none. New Delhi displayed no intentions of dividing the assets of British India with its major adversary, thereby establishing balance between the two countries. Moreover, India's superior geopolitical positions, and most importantly, its control of the vital rivers that flooded into Pakistan, mean that the Muslim community's water supplies were at the mercy of its larger. And still, we see the austerity of our neighbor. Pakistan's conditions were so vulnerable following independence that many observers believed that the country could hardly survive 6 months, and that India's goals of a unified subcontinent remained a distinct possibility. Utchi jo nazariya hai wo abhi tak sustain karta hai, still sustaining in the mind of the people of India, especially in Hindus, and they think that it is their dream to unify the subcontinent again. Pakistan ke liye wo tamam mushkilat khadi di gayi jo usko uski survival mein mushkilat paida kar sakti thi, mushkil paida kar sakti thi. Aur kashmir ka jo issue uske gale mein dal diya gaya, aur fir daryaon ki tamam daryaon ki bharat ki sim se pakistan mein aamad, to aise tha ke hamare sare mamlaat jo hai wo भारत के कंट्रोल में नजर आते थे, और ऐसा लगता था कि अब शायद जो है वो हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो एट दैट टाइम एंड इन दीज कंडीशंस द अर्ली रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम, एंड इन दिस अर्ली रिपब्लिक मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ गवर्नर जनरल, बट ही डाइड इन सितंबर 1948, only 13 months after Pakistan's independence. Nevertheless, it was Jinnah's dynamic personality that sustained the country during those difficult months. Assuming responsibility
as the nation's chief and virtually only decision maker. You know, I held more than the ceremonial positions of his British counterpart in India. But there are two special problems, you know, formidable presence, even through weakened by illness, loomed large over the polity and the other members of the government, but totally subordinate to his wishes. Thus, एक नेचुरल फैमिली था कि कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी इतनी डोमिनेटेड थी कि उनके इनके लोग मौजूद लोग भी डिसीजन मेकिंग के लिए उनकी तरफ देखते थे और वो डोमिनेट करते थे, उनकी जो राय होती थी उसको हतमी करा दिया जाता था। दस साल तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज अ डेमोक्रेटिक एंटिटी विद पार्लियामेंट्री सिस्टम्स द रिप्रेजेंटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स वर म्यूटेड बाय द रोल ऑफ कायदे आजम। इनफैक्ट जनाब नॉट इंडियाज माउंटबेटन्स रिजेक्टेड द वाइसरीगल ट्रेडिशंस दैट हैड बीन सेंट्रल टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स। अनलाइक इंडिया वेयर गांधी ऑप्टेड टू रिमेन आउटसाइड गवर्नमेंट एंड वेयर इंडियाज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटेड द कंट्री इन पाकिस्तान पार्लियामेंट द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द गवर्निंग कैबिनेट वर कास्ट इन सबॉर्डिनेट रोल। इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दिस वाज अ रियलिटी कि अगर इसको हम मुख्तसर अल्फाज में और आसान अल्फाज में देखें और जानने की कोशिश करें कि ये जो हमारी नई रियासत बनी इसमें एक तो कायदे आज़म की सेहत जो है वो बहुत जवाब दे चुकी थी, उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर उनका जो रोल था सब लोग उनकी तरफ देखते थे फैसले के लिए और तबको करते थे कि जी वो हुक्म जारी करेंगे तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 13 मार्च देता रहे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए और फिर जो है इस रियासत में मजीद मुश्किल आ गई। जबकि दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश की हिमायत ब्रिटिश की सपोर्ट जो है वो मौजूद थी, गांधी मौजूद थे और जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मौजूद थे और गांधी जो है वो बाहर बैठे हुए थे। तो ये एक फर्क था दोनों रियासतों की एस्टेब्लिशमेंट में और इसने क्या क्या विरसा हमें फिर आगे छोड़ा और उस पॉलिटिकल लेगेसी की बुनियाद पर रियासत ने क्या सिमत अख्तियार की और क्या रास्ते अख्तियार किए और फिर पाकिस्तान आगे किस तरफ चला, ये सारा कुछ जो है वो हम मज़ीद आगे इस पर डिटेल से देखेंगे। सो अभी जो है जो कुछ हमने देखा जो कुछ हमने पढ़ा जो कुछ हमने सुना दैट इज एनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच एंड